हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो एचजी एनबीए चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये स्कोर का कैलकुलेशन बताई थी, जैसे कितनी टर्ने, कितनी प्राइमरी और कितनी सेकेंडरी डलेंगी। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और कॉइल बनाएंगे और उसके बाद इसको प्लेट में लगाकर इसकी वोल्टेज टेस्ट करेंगे कितनी निकलती है। आज हम पांच प्लस पांच टर्न्स के हिसाब से कॉइल बनाएंगे। अब इसके हिसाब से जो टर्न निकलेगी, ये तो हमारी 10 टर्न्स प्राइमरी हो गई और अब हम इससे ही सेकेंडरी निकालेंगे। 5/12, ये इससे डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको सीधा 5/12 लेंगे और 45 प्लस 45 वोल्ट 90 वोल्ट का बनाएंगे। तो हम इसको 5/12 × 45 करेंगे तो ये हमारी 5 × 45 / 5 × 45 / 12, तो ये हमारी निकली 18.75 टर्न्स सेकेंडरी की, सेकेंडरी टर्न्स ये आप देख सकते हो। तो अब हम इसको बनाएंगे, फिर देखते हैं, इसकी वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये सेट बैठती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 20 नंबर की 4 वायर, 4 तार ली हैं और ये इसकी लेंथ मैंने 14 इंच, 20 नंबर 4 वायर और लेंथ इसकी ली है मैंने 14 इंच। ये हमारी हो गई प्राइमरी और 20 नंबर 3 वायर और इसकी लेंथ मैंने ली है 45.5 इंच। ये हमारी सेकेंडरी की हो गई। 20 नंबर की 4 वायर ली है प्राइमरी के लिए, लेंथ 14 इंच, और 20 नंबर की 3 वायर ली है, लेंथ 45.5 इंच, ये सेकेंडरी के लिए। अब हम इसके हिसाब से कॉइल बनाएंगे। एक और ले ली मैंने, ये हम यहां से शुरू करेंगे अंदर से। तो मेरी जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें कई सब्सक्राइबर और व्यूवर्स का कमेंट आया था कि वो कॉइल आपने पीछे हटके बनाई थी, तो मैं एक कॉइल आपके सामने बना रहा हूं। एक टर्न, दो हो गई और ये तीसरी,
ये चौथी और ये हो गई पांचवी। हमने स्टार्टिंग अंदर से की थी और इसका एंड ये बाहर आएगा, आमने सामने आएंगी ये। अब दूसरी को अभी हम अगर लेंगे तो एक यहाँ अंदर से ले सकते हो आप, अंदर से लेकर यहाँ बाहर आएगा एक अंदर, ये पूरी कॉइल ऐसे बन जाएगी। हमने ये टर्न यहाँ से शुरू करके इधर से गए थे, अब ये टर्न हम उल्टी साइड से चलाएंगे। ये दूसरी टर्न, ये तीसरी, ये चौथी और ये हो गई पांचवी। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्राइमरी डल गई, अब हम सेकेंडरी डालेंगे। तो सेकेंडरी मैंने 45 इंच 3 वायर एक तरफ से ट्विस्ट कर लिया, तो अब हम इसको डालेंगे, इसके सामने से शुरू करेंगे। ये हमारी एक टर्न हो गई, ये दूसरी, ये 16वीं, ये 17वीं, ये 18वीं, ये पड़ गई हमारी 19वीं। ये 19 टर्न है, क्योंकि हमने 18.75 हमारी टर्न आई थी, तो हमने 19 टर्न पूरी डाल ली।
अब हम दूसरी टर्न डालेंगे जो इस तरफ से जाएगी तो यहाँ तक आएगी, और इसके जो कनेक्शन होंगे, अगर किसी ने देखने हो तो मेरी पहली वीडियो कनेक्शन वाली आप देख सकते हो, किसी भी व्यूवर्स ने अगर कनेक्शन इसके देखने हो तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हो आप, उसमें मैंने कनेक्शन बताए हैं इसके कैसे होंगे। अब हम दूसरी तीन वायर लेकर सेकेंडरी की डालेंगे दूसरी टर्न्स। ये 20 एक हो, 19 एक हो गई और 19 ये दूसरी डालेंगे। अब हम इसको बाहर से शुरू करेंगे, यहां से ये एक, ये दो हो गई, ये तीसरी टर्न, हमने तार को एक तरफ से ट्विस्ट किया, एक तरफ से नहीं किया, क्योंकि जब हम टर्ने कंप्लीट करेंगे तो इसका साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा काटना पड़ता है इसको, जैसे कि इसमें हो गया। तो ये तीन हो गई, ये चौथी टर्न। सोलह, सत्रह और एक और डलेगी बस, 18। इसकी 18 डालना है। अब आपने जब कॉइल बनानी है तो जो ऊपर वाली वायर डालोगे तो आपने थोड़ी बड़ी रखनी है इसको। मैंने 45.5 इंच ली थी, आपने 46 इंच कर लेनी है। ये इतनी आएगी, 18 हो गई, वो 19 थी, एक काट देंगे उसमें से। ये 18 हो गई हमारी। ये 18 टर्नें हो गई हमारी, तो वो 19 थी, एक टर्न का फर्क रह गया, वो हम उसको काट के 18 कर लेंगे। तो ये कॉयल बन गई। अब इसके कनेक्शन करके और दूसरी जो मैंने आपको कॉयल बताई थी उसके उसको बनाकर उसके कनेक्शन करके मैं आपके सामने लेके आऊँगा, तो हम इन सब की इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो कॉयल बनेगी उसकी सबकी वोल्टेज चेक करेंगे कि कौन सी वोल्ट कितनी टर्न पे कितनी वोल्ट दे रही है। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दूसरी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा।
इसको प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम और बनाए वीडियो और बनाए आपके लिए, अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए, नॉलेज वाली वीडियो लेकर आए। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।